हेलो एवरीवन, क्लास टेंथ साइंस के बैच में आप सभी का स्वागत है। क्लास टेंथ साइंस के अंतर्गत हम आप लोगों को लाइट चैप्टर पढ़ा रहे हैं और लाइट चैप्टर के अंतर्गत हमने आपको कई सारी बातें बता दी हैं, जिसमें हमने आपको लाइट में कॉनकेव कॉन्वेक्स मिरर के बारे में बताया है। कॉनकेव कॉन्वेक्स मिरर का किस तरीके से इमेज फॉर्मेशन होता है वह भी हम आपको बता रहे हैं, जिसमें लास्ट हेडिंग में हमने कॉनकेव मिरर के 3 इमेज फॉर्मेशन आपको बताए। आज हम लोग उसके आगे पढ़ेंगे, तो सबसे पहले हम लोग कॉनकेव मिरर बना लेते हैं। और लास्ट हेडिंग पर आप पढ़ करके गए थे कि अगर ऑब्जेक्ट को सी यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखते हैं तो जो इमेज होता है वह सी पर ही बनता है, रियल बनता है, इन्वर्टेड बनता है और उतनी ही लंबाई का लेंथ का बनता है। बस समझ में आ रही है? यानी कि आपने देखिए लास्ट हेडिंग पर पढ़ा था कि अगर ऑब्जेक्ट इनफिनाइट पर है तो इमेज एफ पर बनेगा, ऑब्जेक्ट इनफिनाइट और सी पर है तो इमेज एफ और सी के बीच में बनेगा, और यदि ऑब्जेक्ट आपका सी पर है यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर पर है तो जो इमेज होगा वह सी पर ही बनेगा, और जितनी लंबाई का अगर 2 सेंटीमीटर का ऑब्जेक्ट है तो इमेज भी आपका 2 ही सेंटीमीटर का होगा। आज हम लोग उसके आगे पढ़ना शुरू करेंगे, यानी कि ऑब्जेक्ट को सी और एफ के बीच में लेकर जाएंगे। ऑब्जेक्ट को कहाँ लेकर के जाएंगे? ऑब्जेक्ट को सी और एफ के बीच में लेकर के जाएंगे। तो इमेज कहाँ होगा? इमेज भी आप लोग जान लीजिए, इमेज जो होगा वो सी और इन्फिनाइट के बीच में होगा। नेचर कैसा होगा? रियल होगा, इन्वर्टेड होगा, और अब की पहली बार क्या होगा? बड़ा होगा। शुरुआत में क्या था, अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनाइट पर होती थी तो इमेज आपका हाईली डिमिनिश्ड होता था, छोटा होता था। अगर इन्फिनाइट और सी के बीच में होती थी तो स्मॉल यानी कि डिमिनिश्ड होता था, और अगर सी पर होती थी तो बराबर की लंबाई का होता था। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट को सी और एफ के बीच में जब आप लेकर के पहुंचेंगे तो इमेज सी और इन्फिनाइट पर बनेगा, रियल बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा, और पहला केस है कॉनकेव मिरर का जहां पर इमेज ऑब्जेक्ट से बड़ा बनेगा। यानी कि इमेज जो है अगर छोटा है, ऑब्जेक्ट यदि छोटा है 2 सेंटीमीटर का है तो इमेज आपका 4 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर अलग अलग लेंथ का दिखाई देगा। बात समझ में आ रही है? तो हम लोग इसके रे डायग्राम के बारे में समझते हैं। ऑब्जेक्ट को रख देते हैं सी और एफ के बीच में। देखिए हमने रख दिया, क्या होगा? सबसे पहला काम, पहला रे आप भेजेंगे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। तो जब आप प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल भेजेंगे तो वह कहां से पास होकर के जाएगी? फोकस। आपने क्या किया, सी और एफ के बीच में ऑब्जेक्ट रखा, और आपको रूल हम पढ़ा चुके हैं, अगर पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस के रे भेजते हैं तो फोकस से होकर के जाएगी। अगर आप सी से भेजते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर से भेजते हैं, तो जैसे जाएगी वैसे ही वापस आ जाएगी, और यदि आप फोकस से भेजते हैं तो आपका पैरेलल एक्सिस के जो है पैरेलल हो जाएगी। बस समझ में आ रही है? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। ये 3 केस हमने आपको सबसे पहले बताए थे। तो आपका जो है आज का जो हेडिंग है, ऑब्जेक्ट आप सी और एफ के बीच में रखे हैं, इमेज जो है वो सी और इन्फिनाइट के बीच में बनेगा। हमने ऑब्जेक्ट रख दी और पहला रेट बना भी दिया कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल भेजेंगे तो कहाँ से जाएगी? फोकस से जाएगी। अब दूसरी हम भेज रहे हैं कुछ इधर, ऐसा भेज रहे हैं कि पीछे से लगे कि वो कहाँ से जा रही है? सी से जा रही है। तो हमने भेजी और यह कहां से गई? सी से, क्योंकि जब सी से भेजते हैं तो जैसे भेजते हैं थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा बना है, जिगजैग बना है। क्यों बना है? क्योंकि भाई हमारे पास यहाँ पे स्केल तो है नहीं, फिर भी हम आपको सीधा बना करके दे रहे हैं कि अगर आपका सी पॉइंट है और ऑब्जेक्ट आपने रखा हुआ है तो पहला है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल तो फोकस पे, और दूसरा है कि अगर सी से रह गई तो जैसे जाएगी वैसे ही क्या होगी? वापस आ जाएगी। वापस आ जाएगी तो आप इसको पीछे की दिशा में बैक डायरेक्शन में बढ़ाएंगे,
और बैक डायरेक्शन में बढ़ाने के बाद किसी पॉइंट पर आकर के दोनों लाइनें मीट होंगी, और जहां पर मीट होंगी वहीं पर आपका क्या बनेगा, इमेज बनेगा। अगर यह ए बी है तो इसका इमेज आपने बनाया ए डैश बी डैश। बात क्लियर है, फिर से देख लीजिए, ऑब्जेक्ट सी और एफ के बीच में है, इमेज सी और इन्फिनाइट के बीच में बनेगा, रियल बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा, और पहली बार ऑब्जेक्ट इतना था और इमेज देखिए लार्ज साइज का बना, तो ऑब्जेक्ट से इमेज हमेशा बड़ा बनेगा। इस कंडीशन में करते क्या है, हम फिर से आपको रे डायग्राम के थ्रू दिखाते हैं। आपने मिरर ले लिया, यह आपका कॉनकेव मिरर है, आपने इस पर एफ डिसाइड कर लिया, सी डिसाइड कर लिया, आपने ऑब्जेक्ट को एफ और सी के बीच में रख दिया, पहला भेजा प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो कि आपका फोकस से होकर के गुजर गई, दूसरा आपने रे भेजा सी से तो जैसे ही जाएगी उसी डायरेक्शन में वापस आ जाएगी, और जहां पर मीट हो रही होंगी दोनों वहीं पर इमेज का फॉर्मेशन। तो ये आपका पहला कंडीशन है जो आज का है, यानी कि ओवरऑल ये हम लोग चौथा कंडीशन देख रहे हैं, आपको समझ में आ गया हो। इसके बाद जो पांचवा कंडीशन है, जैसे ऑब्जेक्ट को सी और एफ के बीच में हमने रखा, पांचवे कंडीशन में ऑब्जेक्ट को एफ पर रखेंगे तो इमेज भी इनफाइनाइट पे बनेगी। ध्यान दीजिए, इनफाइनाइट पर ऑब्जेक्ट था तो एफ पर बनती थी इमेज, अगर इनफाइनाइट और सी के बीच में था तो एफ और सी के बीच में बनती थी, सी पर था तो सी पे बनती थी, सी और एफ के बीच में था तो सी और इनफाइनाइट के बीच में बनती थी, और अब की अगर ऑब्जेक्ट एफ पर है तो इमेज कहाँ बनेगी, इनफाइनाइट पर बनेगी, रियल बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी, और लार्ग नहीं बहुत लार्ग, इन लार्ग बनेगी। बस समझ में आ रही है, तो अब आपको यह भी कंडीशन, पांचवा कंडीशन है आपको हम बताने जा रहे हैं। फिर से वही काम, आप कॉनकेव मिरर ले लीजिए, कॉनकेव मिरर लेने के बाद आप क्या करिए, आप ऑब्जेक्ट को रखिए, यह आपका एफ हो गया, यह आपका सी हो गया, यह लाइन प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, आप ऑब्जेक्ट को कहां रखेंगे, एफ पर रखेंगे, आपने ऑब्जेक्ट को एफ पर रख दिया। अब जब आप ऑब्जेक्ट एफ पर रख देंगे तो आप ध्यान दीजिए कि यह जो पहली रे हम भेजने जा रहे हैं वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल भेजने जा रहे हैं, और प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल अगर भेजते हैं तो रूल के हिसाब से कहां से जाएगी, फोकस से होकर के जाएगी। रूल आपको तीन पढ़ा है, उसी रूल से सब बन रहा है। अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती है तो कहां से रे जाएगी, तो आपका रे फोकस से होकर के जाएगी, देखिए निकल गई फोकस से। बात समझ आ गई, ऑब्जेक्ट आपने एफ पर रखा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल भेजा तो कहां से होकर के गुजरी, फोकस से होकर के। पहला कंडीशन आपको दिखाई दिया, अब दूसरा, दूसरा जो आप रे है वो आप सी से भेजिए, सी से ऐसे भेजिए कि ऑब्जेक्ट के सिरे से लगता हुआ जाए, और जब जिस डायरेक्शन से ये जाएगा ना उसी डायरेक्शन में ये क्या होता है, वापस आ जाता है, क्योंकि आपने पढ़ा होगा कि जब सी पर जाता है तो जिस तरीके से, जिस पाथ से जाता है उसी पाथ से वापस भी लौट के आता है। तो पहला आपने रे डायग्राम कहां से देखा कि ऑब्जेक्ट के सिरे से जब पैरेलल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती है तो फोकस से, और दूसरा आपने सी से रे भेज दिया। अब देखिए दोनों रे कहीं मिल नहीं रही है, कहीं मीट नहीं हो रही, और दोनों रे एक दूसरे के हमेशा क्या है, पैरेलल है। आपने मैथ में सीखा होगा कि पैरेलल लाइन नेवर बी इंटरसेक्ट, पैरेलल लाइन एक दूसरे को कभी इंटरसेक्ट नहीं करती है, और अगर करती भी है तो कहां इंटरसेक्ट करेंगी, इनफाइनाइट पर इंटरसेक्ट करेंगी। बस इस वाले जो डायग्राम की इमेज आपको यहां नहीं दिखाई दे रही है, तो यह जो आपको मिलती हुई नहीं दिखाई दे रही है, तो हम मानेंगे कि चूंकि यह पैरेलल लाइन है और आपको कहां मिलेगी, इनफाइनाइट पर मिलेगी। आपने कंडीशन पढ़ी होगी, पैरेलल लाइन शुड इंटरसेक्ट ईच अदर एट इनफिनिटी, पैरेलल लाइन एक दूसरे को इनफिनिटी पर टकराती हैं, इसीलिए यह डायग्राम बना है। अगर ऑब्जेक्ट आपका फोकस पर है तो पहला रे आप भेजिए प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो कि फोकस से होकर के जाएगा, और दूसरा रे आप भेजिए सी से
क्योंकि आपने पढ़ा है सी से जैसा जाता है वैसा ही वापस आ जाता है। जब आप दोनों फिगर बनाएंगे तो ये रे आपको मिलती हुई नहीं दिखाई देंगी। अब आप बढ़ाते जाइए, वो आगे तो गोल्ड है नहीं, अब आप इसको जब बढ़ाते जाएंगे तो हम सीधा बोलेंगे कि ये रे एक दूसरे के पैरेलल हैं, और पैरेलल कहाँ मिलती है, इन्फिनाइट पे मिलती है। अगर इन्फिनाइट पे मिलेंगी तो इमेज कहाँ बनेगा, इन्फिनाइट ही बनेगा, रियल बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा और लार्ज बनेगा। तो यह आपका पांचवा कंडीशन है इमेज फॉर्म करने का। ध्यान दीजिए, मैंने आपको एक एक कंडीशंस के बारे में बताया भी हुआ है, आप फिर से देख लीजिए। पहला कंडीशन हमने पढ़ाया था कि ऑब्जेक्ट इन्फिनाइट पर हो, इन्फिनाइट पर होता है तो इमेज आपका एफ पर बनता है। अगर आप भूल गए हो तो एक बार बना करके भी देख लीजिए, क्योंकि छठवां कंडीशन बताने से पहले ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। ऑब्जेक्ट आपने इन्फिनाइट पर रख दिया, पहला रे हमने कहा था कि जब आप पहला रे भेजिएगा तो फोकस से होकर के जाएगा प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, ठीक। इसमें हमने चीटिंग भी बताई थी कि यहाँ पर है, जहाँ पर एफ होता है ठीक उसके नीचे थोड़ा सा पॉइंट कर लीजिए। और दूसरा रे आप पोल पर भेजिएगा तो जैसे जितने एंगल को बना के जाएगी उतने एंगल से बाहर निकल आएगी। ये आपका पहला डायग्राम था। अगर आपका ऑब्जेक्ट एफ पर हो तो सॉरी ऑब्जेक्ट इन्फिनाइट पर हो तो इमेज एफ पर बनता है। ये आपका पहला कंडीशन था जो हमने पिछले बोर्ड में बनाया, पिछले वीडियो में आपको बताया। इसके बाद जो दूसरा कंडीशन हमने आपको बताया, दूसरा कंडीशन भी एक बार हम डायग्राम के थ्रू आपको बस दिखा दे रहे हैं। पोल एफ सी, ऑब्जेक्ट जो है इन्फिनाइट और सी के बीच में आपने रखा था, तो इमेज देखिए कहाँ बनेगा, पहला लाइन और यह दूसरा लाइन, पहला लाइन जैसे था वैसे ही और यह दूसरा लाइन। इमेज कहाँ बनेगा, सी और एफ के बीच में। देखिए हम डायरेक्ट बना रहे हैं ना, ऐसे आपको भी सारे कंडीशन बनाने आने चाहिए। तीसरा कंडीशन जो हमने पिछले वीडियो में बताया था, फिर से बता रहे हैं कि अगर ऑब्जेक्ट को आपने सी पर रखा हुआ है, देखिए हमने सी पर ऑब्जेक्ट रख दिया, पहला लाइन कहाँ से भेजिए, पैरेलल फोकस से जाएगी। और दूसरा लाइन, चूंकि हमने इसमें भी कहा था जब परफेक्ट कंडीशन होती है तो आपको पॉइंट डिनोट कर लेना है कि यहीं से होना चाहिए, दूसरा आप कहाँ से भेजिए, फोकस से भेजिए, जो कि ऐसे गुजरेगी और आपका इमेज फॉर्म होगा। चौथा पांचवा कंडीशन हमने आज बताया है। अब इसके बाद हम आपको लास्ट कंडीशन छठवां कंडीशन बताने जा रहे हैं, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इस छठवें कंडीशन में क्या होता है कि ऑब्जेक्ट को पोल और फोकस के बीच में रखते हैं और जो इमेज होता है ना वह अदर साइड ऑफ मिरर, मिरर के दूसरी तरफ इमेज बनता है। और पहला ऐसा कंडीशन है जिसमें वर्चुअल इमेज बनता है और लार्ज बनता है। ध्यान दीजिए, ऑब्जेक्ट पोल और फोकस के बीच में होगा, अदर साइड ऑफ मिरर, मिरर के दूसरी तरफ इसको लगाया जाएगा, इमेज जो है आपका मिरर के दूसरी तरफ फॉर्म होगा और वर्चुअल होगा, सीधा होगा और लार्ज होगा। इन सब इस जो कंडीशन है, इस कंडीशन का मेनली यूज आपके जो डेंटिस्ट है वो दांतों को देखने में करते हैं। अब दांत के अंदर बहुत छोटी सी जगह होती है तो वहां पर वह यह मिरर लेकर के पहुंचते हैं और वहां पर अंदर क्या है उसको मिरर के थ्रू वह बाहर खुद देखते हैं। तो इसका मेन यूज वहां पर होता है और ये बहुत ही अच्छी कंडीशन है, आपको समझ में भी आ जाएगी कि ऑब्जेक्ट पोल और फोकस के बीच में हो तो इमेज मिरर के दूसरी तरफ बनता है, वर्चुअल यानी कि आभासी बनता है, लार्ज यानी कि बड़ा बनता है। ध्यान दीजिए कैसे बनता है, यह आपका कॉनकेव मिरर है, छठवा कंडीशन बता रहे हैं, लास्ट कंडीशन। यह आपका पोल है, यह आपका एफ है और यह आपका सी है। अभी अभी आप पांचवे कंडीशन पे एफ पर ऑब्जेक्ट रखे थे, इमेज इन्फिनाइट पे बना था, छठवें कंडीशन में ऑब्जेक्ट को रखेंगे यहाँ पोल और फोकस के बीच में। तो जब रखेंगे तो पहला रे डायग्राम आप वही काम करिए, आप इसमें पैरेलल लाइट भेजेंगे तो कहां से होकर के जाएगा, पैरेलल भेजेंगे तो फोकस से होकर के जाएगा। बात समझ में आ रही, पैरेलल भेजेंगे तो फोकस से होकर के जाएगा। और दूसरा फिर वही काम, आप सी से भेजिए
तो जब आप सी से भेजेंगे तो जिस डायरेक्शन से आता है उसी डायरेक्शन में वापस लौट जाएगा। अब देखिए ये जो आपका सी से जब वापस लौटेगा ना, ये पैरेलल नहीं, इसमें थोड़ा सा गैप देखिए लगातार आगे से पीछे गैप बढ़ता जा रहा है, यानी कि और आगे जाएगा तो कभी मीट होने वाला नहीं है, ऐसे गैप बढ़ता जा रहा। तो वैज्ञानिकों ने क्या किया, इसको पीछे की तरफ थोड़ा सा बढ़ाया, यहां से डॉटेड लाइन, और इस वाली रे को भी पीछे की तरफ थोड़ा सा बढ़ाया, और दोनों किसी न किसी पॉइंट पर जाकर के मीट किए, और जहां मीट किए वहीं पर उन्होंने बताया कि यहीं पर इसका इमेज फॉर्मेशन होता है। और आपको हमने बताया था जब रे आगे नहीं मिलती है तो वैज्ञानिक साइंटिस्ट पीछे की तरफ वर्चुअल आभासी तौर पर मिलाने का प्रयास करते हैं, और जहां पर मिल जाती है वहीं पर वह इमेज फॉर्मेशन करते हैं, या एक विशेष इमेज होता है जिसे वर्चुअल इमेज कहते हैं। रियल इमेज में रिफ्लेक्टेड रे वास्तव में मिलती है, इसीलिए उसका नाम रियल है, और इसमें रे मिलती नहीं है, लेकिन हम सोचते हैं, हम सीम करते हैं, हम एज्यूम करते हैं कि वहाँ पर वह मिल रही होंगी, और आपका इमेज फॉर्म हो जाता है। अब यहाँ देखिए ऑब्जेक्ट इतना बड़ा और इमेज की साइज क्या हो गई, बढ़ गई, इमेज सीधा भी बना, वर्चुअल भी बना। यह आपका छठवां कंडीशन है, सिक्स्थ कंडीशन है। तो इस तरीके से आपके कॉनकेव मिरर के छः कंडीशंस पूरे समाप्त हुए। आपको समझ में आ गया होगा, फिर से आप एक बार वीडियो के थ्रू देख सकते हैं, या आपके बुक्स वगैरह में भी है, आप इसको देख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है, बाकी कल मिलेंगे।